मैडम 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 देखिए, हम आज पूरे तन मन से ढंग से हम राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हो गए हैं। खुले मन से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं और ये कहने के लिए अपने लोगों को, आनंद मोहन जी के समर्थकों को, ये सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, नीतीश सरकार, ये ने धोखा देने का काम किया है। आज जितने पुरुषार्थी हैं उनको जेल भेज करके, ये जेल भेज करके सरकार शासन चला रहे हैं, तो जनता जवाब देगी। सभी लोग जो लोग हैं, हमारे शुभचिंतक, हमारे समर्थक, सब लोग को आज से हम कहेंगे राष्ट्रीय जनता दल के वो सदस्य हो गए हैं। और ये सरकार जो धोखेबाज सरकार है, जो सबको छलने का काम किया, जो विश्वासघात करने का काम किया, ऐसे सरकार को एन समय में बिहार के इस चुनाव में, बिहार विधानसभा में सबक सिखाने का काम करें और इसको सत्ता से बेदखल करें। हम लोग आए हैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तन मन, क्योंकि यहाँ पर भी उसी तरह से वो हुआ है, यहाँ भी चला गया है। और आज आनंद मोहन जी बरसों से जेल में हैं, सब लोग जानते हैं, जितने हैं रातू समाज को तो खास करके छलने का काम किया, जो जो है दिग्गज सबको इन्होंने, जो वर्तमान सरकार है वो अंदर कर दी है और शासन चलाना चाहती है, जनता की शासन है और जनता जवाब देगी बिहार विधानसभा में। मैं इसीलिए खुले मन से मैं इसमें आई हूँ और सभी लोगों को हमारा आग्रह है कि जितना ज्यादा लोगों को ये सरकार ने कष्ट दिया है, सब नेता को जेल भेज करके, वो सब लोग एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब दे और सरकार को, वर्तमान सरकार को बिहार के कुर्सी से उतारने का काम करे। जो जैसा हमें जिम्मेवारी दी, जो जिम्मेवारी हमें दिया जाएगा, हम खुले मन से यहाँ आए हैं, जो जब जिम्मेवारी दिया जाएगा सरकार को उखाड़ने के लिए, जो हमें करना पड़ेगा, जो जिम्मेवारी पार्टी हमें देगी, हम निश्चित रूप से वो करेंगे। अपने दल में इनका स्वागत किया है और दल के लिए इनका भी समर्थन है। आनंद मोहन जी जेल के भीतर हैं, इन बाहर लवली जी और उनके नौजवान चेतन आनंद, नौजवान राष्ट्रीय जनता दल को पूरी ताकत के साथ सहयोग करेंगे ताकि जुल्मी, अत्याचारी, जनता के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों को दंगाई और सांप्रदायिक ताकतों का कैसे परास्त किया जाए, यह स्वीकार करके आज लवली आनंद जी अकेले नहीं, पूरे बिहार में फैले हुए अपने समर्थकों के साथ आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अपने हस्ताक्षर से इन्हें दल में शामिल किया है और जहां तक सवाल है राष्ट्रीय जनता दल का, सभी लोगों को आह्वान करता है कि आओ सब लोग मिलकर कारवां बनाओ, बढ़ो एक साथ, ताकि जुल्मी, अत्याचारी, दंगाई, उन्मादी लोगों को बिहार से हरा करके देश को एक संदेश दिया जाए कि लालू प्रसाद जी को मानने वाले लोग, सभी लोग किसी भी हालत से उन्मादियों को परास्त करने के लिए पूरी उस जमात के साथ खड़े हैं। ये जमात की ताकत किसी जमाने में अपने सिद्धांतों के आधार पर डॉक्टर लोहिया, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद जी ने लगातार बढ़ाने का काम किया है और इन्हीं के साथ मैं स्वागत करता हूँ।